इस वीडियो के लिए मैंने 13 बूट्स ऑर्डर करे थे 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की रेंज में, बट मैं आपको सिर्फ 5 बूट्स सिखाने वाला हूँ। Hi, my name is Vaibhav Keswani, your Imagine Style Coach. This video is going to be about 5 budget boots that are unique in itself. काफी अलग अलग style, काफी अलग अलग shape, काफी अलग अलग occasions के लिए है. और जो मैंने वो 8 boots discard करे थे वो इसलिए क्योंकि या तो किसी की leather quality बहुत ख़राब थी, या तो किसी का sole inappropriate था, या फिर किसी का जो mouth होता है वो काफ़ी ज़्यादा tilted था, काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ था, या फिर उनमें comfort के issues थे. और ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो काफ़ी सारे लोग बूट्स लेते वक्त इग्नोर कर देते हैं, बट द बूट्स दैट आई एम गोना शो यू टुडे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वर्थ इट फॉर द मनी स्पेंट. और अगर आपको ये जानना है कि इनको स्टाइल कैसे करें एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ मोर स्टाइल इंस्पिरेशन, देन मेक श्योर यू चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड डू हिट द फॉलो बटन. Now the first boot on my list is the super versatile, easy to style but a masterpiece in itself, the black biker boot. Now the best part about this one in particular is, सबसे पहले तो इसका जो sole का shape है ना वो बिल्कुल appropriate है, मतलब ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा बहुत heavy है. इसके चलते ना इसकी versatility बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, that means कि आप इसको बहुत easily अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको style कर सकते हैं. चाहे आप इसको चीनोस के साथ पहनना चाहते हैं, जीन्स के साथ पहनना चाहते हैं, रॉ दिखना चाहते हैं या फिर क्लासी दिखना चाहते हैं, यू कैन एक्चुअली स्टाइल दीज बूट्स वेरी वेरी इजीली. नाउ व्हाट्स मोर इज द स्टिचिंग डिटेल्स दैट द ब्रांड हैज गिवन. यही अगर स्टिचिंग डिटेल्स किसी लाउड कलर में होती या इसका जो थ्रेड है वो किसी और कलर का होता ना तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उस केस में ना जो इनकी रॉनेस है वो चली जाती है. बट क्योंकि बहुत मिनिमल स्टिचिंग डिटेल्स है, दे एक्चुअली लुक मोर स्टाइलिश स्पेशली फॉर द प्राइस पॉइंट दीज वंस आर एट. The zip over here just makes this boot a lot more comfortable. ये सिर्फ तभी पता लगता है जब आप इसको पहनना शुरू करेंगे, उतारने और पहनने में काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जिप. अगर आप अपने पहले बूट्स परचेज करें देन दिस कुड बी अ ग्रेट पिक, क्योंकि ये सिर्फ 1800-1900 रुपए की रेंज में है इन दिस गुड क्वालिटी, जो मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. मेरे पास ना एक सिमिलर मैंने शू ऑर्डर करे थे जो 1100-1200 रुपए की रेंज में था, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, दिखने में वो काफ़ी ठीक थे, बट मैं उनको इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ इस टाइम पे इस वीडियो में क्योंकि उनका कम्फर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था. सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्पेंडिंग 1100-1200 ऑन एन एवरेज बूट, 500-600 रुपए ज़्यादा स्पेंड करके इस पर खर्च कर देना, ट्रस्ट मी यू विल थैंक मी लेटर. अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि बूट्स की वीडियो बना रहा हूँ और उसमें चेल्सी बूट्स ना हो तो वीडियो इनकम्प्लीट है. एंड दिस टाइम आई हैव गॉट दिस अप्रोप्रिएट चेल्सी बूट्स व्हिच इज़ द बेस्ट वंस स्पेशली इफ यू बाइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कौन सा ऐसा चेल्सी बूट्स है जो उन्हें सबसे पहले खरीदने चाहिए, तो डार्क ब्राउन लेदर चेल्सी बूट्स इज समथिंग दैट आई ऑलवेज रिकमेंड एंड दिस फिट्स द बिल रियली वेल. उसके साथ में क्योंकि इसमें ये जो ब्रोगिंग डिटेल्स हैं इसकी वजह से ये और ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम ही लगते हैं. साथ ही साथ में अगर आप देखें ना, द शेप ऑफ दिस चेल्सी बूट्स इज जस्ट ऑन पॉइंट, स्पेशली जो ब्रांड ने ये वाला कर्व दे रखा है ना, दिस एक्चुअली मेक्स द शू अ लॉट मोर कम्फर्टेबल बिकॉज आपकी हील के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाता है. नाउ दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी डिटेल्ड थिंग. इस शूज की पर्सनली मुझे एक ही डाउनसाइड लगी, जो इसका माउथ है ना वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बट उसका सोल्यूशन है कि जब आप सॉक्स पहने ना वो थोड़े से थिक पहनेगा एंड फुल लेंथ पहनिए. नाउ द ग्रेट पार्ट अबाउट चेल्सी बूट्स इज दैट यू कैन वेयर अ चेल्सी बूट थ्रू आउट 12 months. सर्दियों की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इनको गर्मी में पहन सकते हैं बिकॉज ये यूजली मिड एंकल तक होते हैं, ये बिल्कुल भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होते अगर आप इनको गर्मियों में भी स्टाइल कर रहे हैं. एंड द ग्रेट पार्ट इज द वर्सेटैलिटी, लिटरली वेयर योर चेल्सी बूट्स विद अ स्लाइटली रिप्ड डेनिम एंड अ सॉलिड टी शर्ट, ट्रस्ट मी योर आउटफिट इज गोइंग टू बी ऑन अनदर लेवल. However, this Chelsea boots is a little on the expensive side. ये मुझे 3500 रुपए की रेंज में मिला था. अगर अभी आप नहीं खरीद सकते, that is totally alright. You can save up and actually invest in this one because इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 2-3 साल ही आराम से चल जाएगा depending on how rigorously you use it. तो अगर आपको ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम दिखना है तो आप इसको अपने सूट्स के साथ, चीनोस के साथ, ट्राउजर्स के साथ पहन सकते हो, पर अगर आपको रॉ और एजी दिखना है तो अपनी डिस्ट्रेस डेनिम के साथ ऐसे चेल्सी बूट्स पहन सकते हो एंड यू विल लुक
ग्रेट। क्योंकि आजकल लोगों का फैशन और स्टाइल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले दो बूट्स मैंने दिखाए थे वो रिलेटिवली कॉमन है, बट जो अब मैं बूट दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल है एंड इट इज़ गोइंग टू मेक यू स्टैंड आउट। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दीज डेजर्ट और चूका बूट्स। मुझे ये लिटरली देखते ही पसंद आ गए थे सिंपली बिकॉज इनका जो सोल का कलर है, द ग्रे कलर दैट द ब्रांड हैज गिवन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन, जस्ट मेक्स देम लुक वेरी वेरी प्रीमियम। ऐसे जो बूट्स हैं ना यूजली काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स बनाती हैं, और आपको ऐसे बूट्स 8 से 10 हज़ार रुपये की रेंज से नीचे नहीं मिलेंगे विद दिस डिज़ाइन, विद दिस क्वालिटी एंड विद दिस स्टाइलिंग। सो हैविंग दीज फॉर 2400-2500 इज एन एब्सोल्यूटली अमेजिंग डील। हालांकि ये सिर्फ ना थोड़े स्टेटमेंट शूज़ हैं, थोड़े पार्टी वेयर या फिर अगर आप किसी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हो तब इनको पहनना ज़्यादा सही रहेगा। आई मीन दीज आर नॉट द शूज़ दैट यू वेयर ऑन एवरी डे बेसिस, बट वेन एवर यू वेयर देम यू आर डेफिनेटली गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स। इसको आप चीनोज के साथ स्टाइल करोगे तो ये सबसे ज़्यादा क्लासी दिखेंगे क्योंकि इनकी थोड़ी सी सेमी फॉर्मल वाइब है, बट ओवरऑल दिस इज अ कैजुअल बूट। लास्टली बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये स्वेट में है तो इनकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। डू नॉट वेयर देम एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो। सॉलिड कॉन्क्रीट पे पहनोगे देन यू आर गोइंग टू लव देम बिकॉज दे आर सुपर कम्फर्टेबल ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट येस, ध्यान रखना कि इसको आप पहन के कहाँ जा रहे हैं। ऑल्सो वेन यू आर ऑर्डरिंग इट, इसमें ना एक चीज़ है, यू विल हैव टू सर्च द ब्रांड। मैं लिंक्स दे दूंगा ऑफकोर्स, बट उसमें ना साइजेस नहीं आ रहे मल्टीपल, सो यू हैव टू जस्ट सर्च इट व्हाइल यू आर एक्चुअली परचेजिंग दिस, व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर इट, एंड यू विल गेट योर शू साइज इजीली। और अगर सर्च करते करते कुछ एथनिक में भी लेना हो देन मेक श्योर यू चेक आउट द एथनिक सेल गोइंग ऑन अमेजोन फ्रॉम 21st to 26th of December। नाउ दैट वी आर टॉकिंग मोर अबाउट फैशन स्टाइल एंड ट्रेंड्स, अनदर बूट विच इज एब्सोल्युटली गोइंग टू लुक वेरी फैशनेबल ऑन यू इज दिस चेल्सी बूट। येस, इट इज अनदर चेल्सी बूट एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। दिस वन इज ओनली फॉर ₹1500-1600 विच इज़ द बेस्ट पार्ट बिकॉज इस रेंज में ऐसी क्वालिटी मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यूजली माई चेल्सी बूट्स यूजली रेंज फ्रॉम 5,000 to 7,000 दैट आई अदरवाइज शो, बट दिस वन इज बैंग ऑन पॉइंट। इनफैक्ट सिर्फ यही एक ऐसा ब्रांड है जिसमें मेरे पास 1500-1600 रुपये का एक दूसरे कलर में भी चेल्सी बूट्स पड़ा है। सो ब्लैक ब्राउन एक्सेट्रा मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी बार रिकमेंड कर चुका हूँ, बट दिस टाइम आई वॉन्टेड यू टू ट्राई समथिंग एल्स, समथिंग मोर फैशनेबल विच एक्चुअली मेक्स यू स्टैंड आउट। नाउ ऑफकोर्स इस चेल्सी बूट्स की खासियत ही इसका कलर है, बट मेक श्योर वेन यू स्टाइलिंग दिस चेल्सी बूट्स और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो जो भी आपका बाकी आउटफिट है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सटल होना चाहिए। डू नॉट ऐड टू मेनी कलर्स बिकॉज दिस वन इज़ द हाईलाइट ऑफ योर आउटफिट एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू स्टैंड आउट। ऑल्सो दिस इज़ वन शू दैट आई वुड हाईली रिकमेंड टू कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बिकॉज इसका कलर ना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा लाइवली है, स्पेशली अब आजकल कॉलेज फेस्ट एक्सेट्रा आ रहे हैं, बजट में भी है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैशनेबल भी है। बट जैसा कि मैंने बोला था, बाकी सारे आउटफिट को जेन्युइनली सटल रखना। इसके साथ लिटरली आपने थोड़ा सा भी कुछ झटाक पहन लिया ना, इट कैन रियली गो ऑफ। सो बेसिकली यू हैव टू प्ले सेफ वाइल यू स्टाइलिंग दिस वन, एंड क्योंकि ये स्वेट है अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसे बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली जगह पर ना जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉडी शेप, जो लोग मिस कर देते हैं बूट्स स्टाइल करते वक्त या फुटवेयर स्टाइल करते वक्त। तो एक चीज़ ना आप ध्यान रखना, जब भी आप ये सारे बूट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ये मोस्टली स्लिम टू एथलेटिक बॉडीज पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, बट अगर आपका थोड़ा हैवी बॉडी टाइप है देन यू नीड अ सोल इन योर फुट which is also a little heavy, for example this one. Now this is typically a work boot, ye basically na workers pehen ke jaate the. These boots are the kind of boots which are very sturdy, jo 4 se 5 saal aaram se chal sakte hain. Agar aapko hiking ke liye jana hai, trekking ke liye jana hai, tab to ye boots actually best hai and will actually you know complement most of the body types. But other than that, if you actually want to style them on a regular basis और अगर आपका हेल्दी बॉडी टाइप है देन दीज आर द काइंड ऑफ बूट्स दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इन योर वार्डरोब। नाउ क्योंकि ये टिपिकल वर्क बूट है, ये थोड़ा हैवी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 से 5 घंटे तक ही पहनना। उससे ज़्यादा पहनोगे तो हो सकता है कि अनकंफर्टेबल होने शुरू हो जाए या पैर बहुत ज़्यादा हैवी लगने शुरू हो जाए, तो दैट इज़ समथिंग यू वुड आइडली वुड वॉन्ट टू अवॉइड। साथ ही साथ जब इसको स्टाइल कर रहे हो तो इसको स्किनी फिट्स के साथ मत पहनना, रेगुलर फिट या फिर स्लिम फिट्स के साथ प्रेफर करना, दैट इज व्हेन दीज बूट्स आर एक्चुअली गोइंग टू लुक वे बेटर। ऑल्सो इस शूज़ की ना एक्चुअली हील काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी
हाइट थोड़ी ज़्यादा लंबी लगे देन ऑल्सो दीज बूट्स आर गोइंग टू वर्क रियली वेल. जस्ट अगेन मेक श्योर दैट यू वेयर स्लिम फिट्स और स्ट्रेट फिट्स विद दीज बूट्स एंड अ डार्कर शेड ऑफ डेनिम अगर आप ये भी चाहते हो आपकी हाइट ज़्यादा लगे. ये मुझे 1800-1900 रुपये के पड़े थे एंड फॉर हाउ स्टर्डी दे आर एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है उसके लिए दे आर एब्सोल्युटली वर्थ इट. वेल दीज आर 5 बजट बूट्स दैट आई बिलीव आर टोटली वर्थ इट. नाउ व्हेन आई से बजट आई डू नॉट मीन कि 1000-1200 रुपये के बूट्स आप वो भी ले सकते हैं. बट दैट इज समथिंग दैट आई पर्सनली वुड नॉट रिकमेंड क्योंकि उनमें यूजली क्वालिटी का इशू होगा. बूट्स में ज़्यादा मटीरियल लगता है, ज़्यादा डिजाइनिंग लगती है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. सो ऑलवेज पे 500-700 एक्स्ट्रा, मे बी 1000 रुपीज एक्स्ट्रा, बट गो फॉर अ गुड क्वालिटी मटीरियल एंड अ बूट रादर देन गोइंग फॉर अ इकोनॉमिकल और अ चीप बूट. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा बूट कौन सा लगा और अगर आप चाहते हैं इसमें से मैं कोई बूट स्टाइल करूँ तो वो कौन सा है वो भी मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता देना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश.